हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वाती आणि तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. अजून जर तुम्ही या शैक्षणिक चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवा. तर चला सुरू करूयात आपण. आज आपण पाहणार आहोत हिंदी सुलभ भारती क्लास एट चॅप्टर नंबर 2 क्वेरीज कोण. चैप्टर नंबर 2 वारिस कोण टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. आकलन कृति परिणाम लिखिए. क्वेश्चन 1 पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम. उसने सच्ची बात बता दी कि उसने दाने भंडार से ले लाए है. आगे का क्वेश्चन. दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम. आंसर दाने सड़ गए थे. स्वाध्याय विषय कृतियाँ. उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए. क्वेश्चन 1 सभी के उत्तर से राजा की बड़ी निराशा हुई. आंसर अंत में उसे एक उपाय सूझ गया. क्वेश्चन नंबर 2 रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया. सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई. क्वेश्चन नंबर 3 राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा. आंसर रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया. क्वेश्चन नंबर 4 अंत में उसे एक उपाय सूझ गया. राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा. सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1 जरूरी इसके पीछे कोई डैश डैश होगा. उद्देश्य हेतु या मकसद. जरूरी इसके पीछे कोई मकसद होगा. सो में उन्हें भुनवा कर खा गई. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही मेरे राज्य की सच्चे उत्तराधिकारी हो. क्वेश्चन नंबर 4 इसे तुम अपने पास रखो. डैश डैश साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा. इसे तुम अपने पास रखो. 5 साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा. परिणाम लिखिए. गेहूं के दानों को बोने का परिणाम. समय पर अंकुर फूटना. पौधे तैयार होना. दाने निकलना. नेक्स्ट क्वेश्चन पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम. उसने सच्ची बात बता दी कि उसने दाने भंडार से लाए है. नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी राजकुमारी का संदूकचे में दाने रखने का परिणाम. दाने सड़ गए हैं. सभी के उत्तर सुनकर राजा पर क्या हुआ. राजा को बड़ी परेशानी हुई और राजा बड़ा निराश हुआ. अब भाषा बिंदु. रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्यों पाठों से ढूंढ कर लिखिए. सरल वाक्य वह सोचने लगा. उसके 4 बेटियां थी. इसे तुम अपने पास रखो. संयुक्त वाक्य उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई. बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए. सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो. मिश्र वाक्य 5-7 बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब सब मुझे वापस कर देना. राजा ने सोचा कि इन 4 में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा. 5 साल बाद जब पिताजी ने ये दाने मांगे तब उन्हें वापस कर दूंगी. नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए. क्वेश्चन 1 रथ आते ही राजा उस पर सवार हो गया. संयुक्त वाक्यों में बदलिए.
राजा का रथ आया और वह उस पर सवार हो गया। राजा का रथ आया और वह उस पर सवार हो गया। मिश्र वाक्य में बदलिए। उन्ना जैसे ही राजा का रथ आ गया वैसे उस पर सवार हो गया। निम्नलिखित रेखांकित विकारी शब्दों के भेद पहचानी। क्वेश्चन वन, एक राजा था। आंसर, एक संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर टू, इसे तुम अपने पास रखो। आंसर, उन्नता, तुम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर थ्री, राजा ने अपनी बेटियों को गेहूं के दाने दिए। गेहूं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर फोर, राजा ने चारों बहनों को बुलाया। बुलाया, क्रिया। स्वयं अध्ययन, बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। उत्तर लिखो, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। अब आंसर देखते हैं हम, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। गेहूं के दानों का सबसे बड़ी और वह दूसरी बहन ने क्या किया। सबसे बड़ी बहन ने खिड़की के बाहर फेंक दिए। दूसरी बहन ने चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके अपनी संदूकचे में डाल दिया। तीसरी बहन ने गेहूं के दानों का तीसरी और चौथी बहन ने क्या किया। तीसरी बहन ने दानों को खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिए। चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।